वो तो मैंने तुम्हारी सास का और शोहर का लिहाज कर लिया था, वरना वहाँ बैठे बैठे तुम पे गजल कहने को दिल कर रहा था। शादीशुदा हो गई हूँ मैं, अब लाइन मारना बंद करो मुझ पे, समझे? रब दिला बिच रहे। बहुत ही बेमुरवत लड़की हो तुमने अंतारा, जो मेरे थैंक्स का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बेचारा थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन उठा के देख रहा था कि शायद अब रिप्लाई आए, लेकिन तुमने नहीं किया रिप्लाई। रिप्लाई करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं तारा। हाँ भाई, हम आपके हैं ही कौन जो आप हमारे लिए टाइम निकालेंगे। बिलाल, तुम अब तक नहीं बदले, तुम्हें पता है बिल्कुल वैसे ही हो। बदली तो तुम भी नहीं हो तारा, बिल्कुल वैसी की वैसी खूबसूरत जैसे यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। वो तो मैंने तुम्हारी सास का और शोहर का लिहाज कर लिया था, वरना वहाँ बैठे बैठे तुम पे गजल कहने को दिल कर रहा था। शादीशुदा हो गई हूँ मैं, अब लाइन मारना बंद करो मुझ पे, समझे? यहाँ ना कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती है। शादीशुदा हो गई हूँ मैं, अब लाइन मारना बंद करो मुझ पे, समझे? शादीशुदा हो गई हूँ मैं, नहीं है लाइन मारना बंद करो मुझ पे, समझे? जरी, जरी, हलम क्या हो गया आपको? रानी, रानी जी, भाभी जी आई। रानी भाभी, पानी लेकर आओ जल्दी से। हला हेलो फरहान, जल्दी से घर आ जाइए, खाला की तबीयत खराब हो रही है। हला खाला पानी पी। अब लेट जाइए खाला। छोटी करती हूँ कॉल तुम्हें। छोटी भाभी, वो बेगम साहब बेहोश हो गई हैं। क्या फरहान को बताया? जी, जरीन भाभी ने फोन किया अभी। अच्छा, तुम अरसलान के पास बैठो, मैं जाके देखती हूँ। इनके बीपी का ध्यान रखें, और मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये इन्हें रेगुलर दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं भी लेकर आता हूँ। कुछ हुआ साहब? कोई बात हुई थी? पता नहीं, मैं तो रूम में ही थी। तुम्हारा फोन भी बिजी जा रहा था? जी, वो बिलाल का फोन आया हुआ था। आपको पता है ना, एक बार बात करना शुरू करता है फिर फोन ही नहीं बंद करता। आपको बुरा लगा मेरा उससे बात करना? नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। I'm sure इतने से बात तुमसे मिला है, तुम्हारे साथ तो खाई गई। इतनी सारी दवाइयां लिख दी डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक तो है ना? आप मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हैं।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मी का बीपी ऐसे ही हाई नहीं हुआ, जरूर की बात हुई है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अम्मी को प्लीज कुछ बना के ला दो। बिलाल का फरहान से मिलना, अभी बिजनेस पार्टनरशिप की बात करना, यहाँ घर तक आ जाना, प्रिटेंड करना जैसे उन दोनों के दरमियान कुछ है ही नहीं, इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। अम्मी प्लीज आप बेटी रहे ना। अरे भाई लेट लेट के भी थक गई हूं मैं, बैठना चाहती हूं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं? इसे क्या बताऊं कि क्यों परेशान हूं मैं, बिलाल दोस्ती की आड़ में नैन तारा से। मम्मी क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों है? किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो तबीयत संभल जाएगी। चले ठीक है, आप आराम करें। जाती मर्तबा लाइट ऑफ कर देना। जी। आप यहां बैठे हैं? तुमने अम्मी से कुछ कहा है? क्यों, खाला ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें कोई बात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। उनकी चुप की कोई ना कोई वजह तो जरूर है। और आपको लगता है कि वजह मैं हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इस घर में तुम्हारे और नैनतारा के अलावा है ही कौन जिससे मैं ये पूछूं? और नैनतारा से पूछने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि ना वो कभी कुछ कहती है ना कर सकती है ना? देखो सरी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे मज़ीद टेंशन मत दो। सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हो गई। हेलो फरहान, कहाँ हूँ मैं, कब से तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो? हमारी कोई मीटिंग थी क्या? मतलब मीटिंग के अलावा तुम वैसे नहीं मिलने आ सकते मुझसे ऑफिस? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं यार, वो एक्चुअली अम्मी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, बस उसी वजह से नहीं आया। यार फिलहाल मुझे अम्मी की खामोशी से बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, ऐसे लगता है जैसे वो कुछ कहना भी चाह रही हो नहीं भी। तुम परेशान मत हो, कुछ वक्त होने ठीक हो जाएंगे, वो तुमसे खुद बात करेंगे। Are you sure? Yes, I'm sure. अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, उनकी तबीयत भी पूछ लूंगा, बीपी भी चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, आ जाऊं। Goodbye. See you. वो आ रहे क्या? सूप नहीं बना तुम्हारा अभी तक? अभी मंगवा रही है। नहीं लेकिन तुम इसको रहने दो ना, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। क्यों? अरे तुम्हारा पक्का दोस्त आ रहा है, वो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाएगा।
वो मुझे देखने नहीं आ रहा बल्कि अम्मी की तबीयत पूछने के लिए आ रहा है। प्लीज तबीयत तो एक बहाना है, असल मकसद तो दीदारे यार है। ओह आई एम सॉरी, दीदारे दोस्त। वैसे आपको क्यों लगता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जो किसी ना किसी से हर वक्त अफेयर चलाने के लिए हमेशा तैयार रहती है? अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हर वक्त तुम्हारे पीछे कोई ना कोई लड़का पड़ा हुआ होता है। लड़के नहीं हो गए, कोई फूल पौधे हो गए जो एक उगता और दूसरा खत्म हो जाता है। और ऐसे भी लड़के तो मर रहे होते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी में बाहर लाने के लिए तड़प रहे होते हैं। और लड़के आए ही इस दुनिया में इसलिए। मत क्या करें आप इस तरह की बातें, क्यों करती हैं आप? मेरा नहीं तो कम अज कम अम्मी का ख्याल कर लिया करें। अरे तुम्हारे ही तो ख्याल है मुझे बहुत अच्छी तरह। हाँ जरी मैं आ रही हूँ, फिकर ना कर दो। काशी मुझे आप आपके घर लेके चल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अम्मा खालों को कॉल कर लेना, उन्हें पता तो है आपका कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे वो तो मैंने ड्रामा किया था आपा को डराने के लिए, अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मा जब ड्रामा करना होता तो इतनी बड़ी पट्टियां नहीं बंधवाते। अरे आपा को डराने के लिए ना, ताकि वो जरी के साथ जरा ठीक रहे। और सुन वहाँ पर वो लड़का भी आ रहा है, मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन और है कैसा। माँ नैन तारे की सही मौजे लगी हुई है, हालांकि तबीयत के बहाने अपने बिछड़े हुए दोस्त से बहुत जल्द मिलने वाली है वो। देख काशी तू ज्यादा शोखा ना हो, और वहां जाकर भी ना कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं करना। माँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं बाहर खड़ा हूँ आ जाए। अच्छा मैं चादर लेकर आती हूँ। बेबी तो नॉर्मल है आपका, फरहाने ने कौन सी मेडिसिन दे रहे हो? आपकी चाय। थैंक यू। ये मेडिसिन दे दी, ठीक है आप जल्दी से ठीक हो जाए, वरना आपके बेटे हमारे ऑफिस नहीं आएंगे। बिलाल के लिए खाने का इंतजाम करो। नहीं आंटी खाना रहने दीजिए, बस चाय है बहुत है। खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम, जाओ देखो जरा, पूछो क्या मंगाना है और क्या पकाना है, जाओ। फरहान बता रहा था आप टेंशन में, आप मुझे बताइए क्या टेंशन है आपको? तुम टेंशन हो मेरी। मैं क्यों? क्या हुआ? आप दोनों बड़े खामोश हैं। फरहान मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम से जाना है। अरे ऐसे कैसे, खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? रोके ना अम्मी इसे। जाने दो इसे, इसका जाना ही बेहतर होगा वरना बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना।
बिलाल बिलाल बात सुनो यार। फरहान मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता इस दुनिया से नहीं। तुम तो ऐसे वाजे दे रहे हो जैसे आज के बाद कभी मुलाकात नहीं होगी। अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने कहा है वो मेरी वजह से परेशान, मैं यहां ना आया। शक्ल देखो अपनी, कोई बात नहीं। सीरियस यार? सीरियसली बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक काम याद आ गया था, वहां जाना। ख्याल रखो तुम अपना। ओके। अक्सर लोग मजाक में ही सच्ची बात कर जाते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा तो कुछ मतलब नहीं है, कहकर तो वो गया। ये बात और है कि मजाक में ही बात उड़ा गया। तुम्हें तो बस फजूल में लफ्जों को पकड़ने का शौक है। अरे अस्सलाम वालेकुम मां। अंदर चलें। आपा के अंदाज से लग रहा है कि उन्होंने उस लड़के को बहुत सुनाई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बात पर इतना जल्दी यकीन कर लेंगी वो। बात अब यकीन से आगे निकल गई है। मुझे लगता है कि आपा ने कोई बहुत बड़ी बात दिल में छुपा के रखी है। कौन सी बड़ी बात? ये नहीं पता, लेकिन मेरी बात तो लिख ले। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि आपा की खामोशी बता रही है। मुझे नहीं लगता अम्मा कि मेरी इतनी सी बात पे इतना रिएक्ट करेंगी वो। वैसे भी नैन तारा उनकी चहेती बहू है, एक दो दिन में मेरी बात भूलकर फिर से फिदा हो जाएंगी उस पे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हो गया तो? तू शर्त लगा ले, मैं ही जीतूंगी। बिलाल के साथ दोस्ती खत्म कर दो, वरना अगर मैं फरहान के सामने बोल उठी तो बात तुम्हारे रिश्ते तक आ जाएगी। रब दिला विच है। तबीयत कैसी है बम्मी? करम है अल्लाह का, जिसने इस उम्र में भी इतनी हिम्मत दी है कि इतनी बड़ी बात आसानी से सह जाती हूँ। बड़ी बात? सब खैरियत है ना अम्मी? आपको कहीं मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई? बुरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तुम्हें क्या लगा था नैन तारा कि तुम बिलाल के साथ मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंकोगी और हमें खबर नहीं होगी? क्या ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसी क्यों का जवाब तो तलाश कर रही। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? यहां तक कि मैंने अपनी भांजी के साथ ज्यादती करके तुम्हारा घर फिर से बसाया। तुम्हारे साथ ज्यादती ना हो, अपनी भांजी पर सख्ती की, उसका शौहर, उसका घर, सब कुछ तो बांट दिया तुम्हारे साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने किया क्या है। बिलाल को तुम्ही ने इस घर का रास्ता दिखाया ना। बिजनेस के बहाने फरहान से मिलाया ताकि तुम तक पहुंचने का प्लान बन सके। ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी, मैं तो जानती भी नहीं थी कि बिलाल उनका लेकिन वो तो जानता था ना। देखो नैन तारा, मेरा बेटा बहुत सादा है और वो समझता है सारी दुनिया ऐसी है। उसे नहीं मालूम कि यहाँ लोगों के दिल कितने खोटे होते हैं।
अम्मी, मैंने अभी तक ये बात अपने बेटे से नहीं की। वजह तुम नहीं नैनतारा, वजह उसका भरोसा है और मैं उसे और उसके भरोसे को टूटता नहीं देख सकती। बेहतर होगा तुम बिलाल के साथ दोस्ती खत्म कर दो, वरना अगर मैं फरहान के सामने बोल उठी तो बात तुम्हारे रिश्ते तक आ जाएगी। टेंशन हो मेरी, समझता है सारी दुनिया ऐसी है। बेहतर होगा तुम बिलाल के साथ दोस्ती खत्म कर दो, वरना अगर मैं फरहान के सामने बोल उठी तो बात तुम्हारे रिश्ते तक आ जाएगी। मैं रोऊं या मरूं तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो। हुआ क्या नैनतारा, कुछ तो बताओ, खैरियत है? तुम फरहान के पार्टनर हो ना, उन्हीं तक रहो, मुझसे पुरानी दोस्तियां निभाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नैनतारा क्या बोले जा रही हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अचानक से तुम्हें और अम्मी जी को क्या हुआ है। वो शक कर रही है मुझ पे, ये तो किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन हमेशा सवाल मेरे किरदार पर ही आकर उठता है। अच्छा, जस्ट रिलैक्स, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, तुम नॉर्मल हो जाओ। मुझे कोई फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें दोबारा, प्लीज मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। नैनतारा तैरती है कागज़े से जिंदगी है, तैरती है डूबती है, कागज़े से जिंदगी है, ये एक रोग सा लगा शोर सा मचा है जाने क्यों, रब्बा मेरे हाल दम है रम तू, आ मुझे पार लगा। अपनी दुआ कबूल ही समझो। काश कि ऐसा ही हो। क्या मांगा तुमने?
आपका भरोसा और आपका साथ। तुम्हारे साथ तुम्हें हुई और भरोसा तुम पे करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या हुआ? इधर आओ बैठो। बताओ। कुछ नहीं, एक बात पूछूं आपसे? तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं, जो भी पूछना है बिना झिझक पूछो। कितने यकीन करते हैं मुझ पर? ये कैसा सवाल है? सवाल के बदले सवाल नहीं करते आप, बस मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी शख्स मेरे किरदार पे उंगली उठाए तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या उस शख्स की? ऑफ कोर्स तुम्हारी, तुम्हारे सामने किसी भी शख्स की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर वो शख्स आपके बहुत करीब हो तो तब भी आप मेरी बात पे भरोसा करेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा किरदार मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, जिसे कोई भी बात, कोई भी शक धुंधला नहीं कर सकता। सर ये मैंने फाइल्स तैयार की है, ठीक है, चेक कर लिया। सर इसको जरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा प्लीज। और सर यहाँ आपके साइन रिक्वायर्ड है। थैंक यू। डन सर, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? दसवीं बार फोन किया तुमने? हाँ हाँ। आप प्लीज जाइए और मुझे कॉफी भिजवा दें। ओके सर। व्हाट हैपेंड? कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो तुम? नहीं नहीं, ठीक हो गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब। क्या हुआ? नाराज हो गए वो? कौन? किसका पूछ रहे? वो ही जिसे तुम कब से कॉल्स कर रहे हो और वो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा के तुम्हारी कॉल्स मुसलसल रिजेक्ट की जा रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही है फरहान। क्या हुआ? सीरियस मैटर या सिर्फ दोस्ती वाला सीन है? वो तो बात की बात है, अभी तो मसला उसकी नाराजगी दूर करना है सर। कब से बातचीत बंद? कल रात से। ओ, तो ये था वो जरूरी काम जिसके बाद तुम्हें मेरे घर में एक लम्हे के लिए भी रुकना गवारा नहीं हुआ। ओके, डू वन थिंग, उसे इमोशनली बनाओ ना। इमोशनली कैसे बनाऊं? ये भी बता दो। मुझसे ऐसे पूछो जैसे आई एम एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ना ही सही, लेकिन कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें, इसलिए तो तुमने कहा इमोशनली बनाओ। तुम एक काम करो, उसे पहले डिसेंट तरीके से मना, अगर वो नहीं मानती तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो कि अगर उसने नाराजगी खत्म ना की तो यू डू समथिंग, या कोई ऐसी धमकी दो जिससे वो राजी होने पर मजबूर हो जाए। ऐसा करो। ट्राई। थैंक यू। फिर हमारे साथ रहोगे ना? बिल्कुल, ऐसे सीखते रहोगे। तारा, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं। नैन
ना सुनी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या मसला है तुम्हारा बिलाल? मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। आप प्लीज मुझे दोबारा कभी फोन ना करना। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी नयनतारा तो मैं इसी तरह तुम्हें तंग करता रहूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, किससे खत्म। अगर तुमने ऐसा किया नयनतारा तो मेरे पास तुम्हारे घर आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं मम्मी जी के सामने आऊं और उनके सामने तुमसे कोई बात करूं। कुछ बातें हैं नयनतारा जो मुझे तुमसे क्लियर करनी है। कैसी बात है? फोन पे नहीं बता सकता, मिलके बताऊंगा। फोन पे क्या मसला है? मिलने में क्या इशू है नयनतारा? अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई लोफर या सड़क छाप आशिक हूं। परेशान मत हो नयनतारा, मेरी टेंशन कोई बुरी नहीं, ना ही रहता। मकसद सिर्फ एक दोस्त की मदद करना है नयनतारा, दैट्स इट। कहाँ मिलना है? हाँ ठीक है। अब आए ना ऊप पहाड़ के नीचे। अम्मा बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही को कॉल करने वाली थी मैं। खैरियत तो है, तेरे चेहरे की रौनक तो कुछ और ही बता रही है। जब आपको पता चलेगा ना आपको भी वही हाल होगा जो मेरा और है। अच्छा जल्दी से बता क्या बात है। बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको ना मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना पड़ेगा? रानी को साथ ले जाओ। अम्मी अगर रानी को साथ ले जाऊंगी तो अरसलान आपको बहुत परेशान करेगा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मेरी तबीयत का इतना ही ख्याल है ना तुम्हें, तो वो करो जो मैं कह रही हूँ। जी नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी ये कहाँ चल दी? स्टोर गई है। आए, मैं तो जरी को लेने आई थी, मैंने सोचा वो जाके लड़की को भी देख ले। लड़की? हाँ अपने काशी के लिए, रिश्ते वाली ने बताई थी तो मैंने कहा जरी भी देख ले। चलो अच्छा है, अल्लाह मुबारक करे। चले फिर मैं चलती हूँ आपा। हाँ तो ले जाओ ना जरी को साथ। अरे आपा आप घर में अकेली रह जाएंगी, उसको कैसे साथ ले जाओ? कुछ नहीं होता, मैं अकेली नहीं हूँ, रानी है, फिर अरसलान भी तो है मेरे पास। ले जाओ, बहनों के बड़े अरमान होते हैं। चले जैसे आपकी मर्जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ बस मैं निकल गई हूँ, गाड़ी आ गई है। हाँ ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, बस जल्दी पहुंचाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मा चलें जल्दी। अरे कुछ पैसे तो दे दे, मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं है। ओ जल्दी करें, उतनी देर कर रही हैं आप, जाएं। अच्छा अपना ख्याल रखना। चले भाई। काशी मनहूस पता नहीं कहाँ रह गया। अरे थिंक ऑफ काशी एंड काशी इज हियर, बैठो जल्दी करो, वो निकल गई है। अरे कुछ नहीं होता, चलो थैंक यू।
थैंक यू। तुम खुश तो हो ना नैनताल? तुमने जो बात करने के लिए बुलाया है वो करते हैं ना? क्या बात थी जिसे क्लियर करना था? नैनतारा, देखा जाए तो पार्टनरशिप से पहले मुझे पता नहीं था फरहान मेरा पार्टनर है। ये और बात है कि ये पता चलने के बाद मैंने फरहान से मजीद दोस्ती की। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है तुम उस घर में खुश नहीं हो। उस घर के लोगों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। उस घर के लोगों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, इस बात का तुम्हें ख्वाब आया था? नहीं, तुम्हारे घर से किसी लड़की ने बताया। तन में दुखन है कैसे? मन में जलन है कैसे? तन में दुखन है कैसे? राख हुई है जिंदड़ी लागी रबा मेरे हाल दम हैरम तू आ मुझे पार लगा दे तू ओ रबा मेरे हाल दम हैरम तू इश्क दा जहर चखा।